इस दिवाली कम लागत में करें ये चार बिजनेस। दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में यदि आप कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जो इस दिवाली आपको मालामाल कर दे, तो हम आपको बताएंगे चार बिजनेस आइडियाज जिसे करके आप भी अपनी दिवाली को खुशियों से भर सकते हैं। कोरोना काल के कारण बहुत से बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, आर्थिक मंदी चारों ओर है। ऐसे में आप भी कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, तो आप इन छोटे बिजनेस आइडिया पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये स्मॉल बिजनेस आइडिया बड़े काम के हैं। पटाखे का बिजनेस। दिवाली बेहद नजदीक है, आपको कोई भी बिजनेस आइडिया समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस दिवाली के सीजन में कौन सा बिजनेस करें, तो पटाखे का बिजनेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा, जिसमें आप बिना दुकान बिना शेड के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको राज्य की पुलिस से टेम्पररी लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद आप 100 किलो से 600 किलो तक का स्पार्कल के अलावा आवाज वाले पटाखे बेच सकते हैं। लाइसेंस के लिए फॉर्म पुलिस की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जारी करता है। सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए आप टेम्पररी लाइसेंस मिलने पर पटाखे बेच सकते हैं। सजावटी लाइट्स का बिजनेस। दिवाली के सीजन में आप सजावटी लाइट्स का बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाखों की कमाई भी हो सकती है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। इसमें नुकसान होने के बहुत कम चांसेस हैं। यानी कि अगर आपका पूरा माल दिवाली में नहीं बिका, फिर भी आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सजावटी लाइट्स का उपयोग शादी फंक्शन आदि में भी किया जाता है। तो यदि दिवाली में पूरा माल ना बिके तो आप बाद में इसे निकाल सकते हैं। लाइटिंग का बिजनेस करने के लिए या लाइट बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए नगर निगम या किसी भी स्टेट की पुलिस से लाइसेंस नहीं लेना होता है। पूजन सामग्री का बिजनेस। पूजा सामग्री का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आस्था सराबोर होती है। यदि आप भी ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जिसमें लागत कम हो और कमाई अधिक हो, तो आप पूजा सामग्री का बिजनेस कर सकते हैं। दिवाली पर श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें अनेक पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। यदि इस आवश्यकता को देखते हुए आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो साल भर चलता रहेगा, क्योंकि भारत में त्योहार की कमी नहीं है। हर त्योहार में पूजा हवन आदि हो जाता है, तो ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। दिया और मोमबत्ती बनाने या बेचने का बिजनेस। इस दिवाली आप दिया बनाने या मोमबत्ती बनाना या फिर थोक में खरीद बेच का बिजनेस कर सकते हैं। दिए की महत्ता तो हर कोई जानता है कि कैसे एक दिया घर को रोशन कर देता है। दिवाली हो या फिर अन्य त्योहार, दिए का हर त्योहार में अपना अलग महत्व है। यदि आप दिए का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि आप दिए बनाने का बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर थोक में दिया खरीद कर उन्हें बेचने का। ठीक इसी तरह ही मोमबत्ती का बिजनेस भी साल भर चलने वाला बिजनेस में से एक है। दिवाली से लेकर बर्थडे हो या कोई और फेस्टिवल, या फिर लाइट चले जाने पर रोशनी करना हो, इस तरह से मोमबत्ती की आवश्यकता हर जगह पड़ जाती है। यदि आप इस आवश्यकता को देखते हुए इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो ये सालों साल चलने वाला बिजनेस आइडिया है, तो इस दिवाली आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।